हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। टुडे आर वी आर डिस्कस पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? लास्ट क्लास के अंदर आपने देखा था पॉलिनोमियल का टाइप्स क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या जीरोनोमियल, उस टाइप के। तो पॉलिनोमियल की बेसिक्स ही मैं बात करूंगा। उसके अंदर अपने पास है फर्स्ट इज वेरिएबल, वेरिएबल, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट कोफिशियंट, इन तीनों से। वेरिएबल मीन्स नॉट फिक्स्ड, इनको डिनोट करते हैं जनरली अपन किससे, इंग्लिश के ऑल अल्फाबेट से, अल्फाबेट होते ना उनसे। और कॉन्स्टेंट का मीन्स क्या होता है, ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड मीन्स काउंटिंग, जिसको बोलते हैं ना, माइनस टू इजिकल्स टू माइनस टू, हंड्रेड इजिकल्स टू हंड्रेड, वन लैख इजिकल्स टू वन लैख, वो सारे। और कोफिशियंट ऑलवेज क्या होता है, मल्टीप्लाई में आते हैं, मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ में क्या आएंगे, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशियंट एंड कॉन्स्टेंट, दैट इज पॉलिनोमियल। इन सब का अरेंजमेंट या इन सब का ग्रुप, वो क्या बनता है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बनती है। दैट ग्रुप ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट एंड कोफिशियंट इज द डिनोटेड पॉलिनोमियल। क्लियर? द अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट एंड कोफिशियंट, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अपना इतना डिस्कस करेंगे। एंड नाउ we have exercise 3.2 in first question, that is using division algorithm divide the polynomial fx by the polynomial gx, means fx ko divide karna hai gx ke sath, and find the quotient and remainder, and after apne ko kya find out karna hai, quotient and remainder। to divide division method mein aapko first of all we are say this is variables x is the order, ऑर्डर में होना चाहिए मीन्स अरेंजमेंट। फिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स टू द पावर थ्री, एक्स टू द पावर टू एंड एक्स टू द पावर वन, एंड विदाउट एक्स मीन्स कॉन्स्टेंट, सेम ये होना चाहिए, इनका अरेंजमेंट होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करना अपने वो थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये डिवीजन अपने को सोल्व करना है। तो आप देखो सबसे पहले ये पावर है टू एंड दिस इज थ्री, तो लेस देन कितना है, एक्स टू द पावर वन एंड मल्टीप्लाई विद थ्री, तो ये क्वोशेंट भी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री एक्स। तो इस क्वोशेंट को यहां मल्टीप्लाई करो, थ्री एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एक्स क्यूब यहां मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वन जा थ्री एक्स। एंड नाउ वी आर केयरफुल, एक्स टू द पावर थ्री अपर साइड इज ऑलवेज फ्रॉम एक्स टू द पावर थ्री, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स, ये एक्स है। क्लियर है? सेम सेम टर्म्स की पावर्स है ना, वो अपर साइड में या लोअर साइड में यूज करनी है अपने को। साइन चेंज करो, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, फर्स्ट इज ऑलवेज कैंसिल आउट, ये माइनस का है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ये सिक्स है, दिस इज वन, तो वी हैव फाइव एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस अगेन माइनस, थ्री माइनस एक्स क्या बनेगा वन, मीन्स एक्स प्लस फाइव। क्लियर? एंड दिस इज एक्स टू द पावर टू एंड हियर एक्स टू द पावर टू सेम, बट मल्टीप्लाई फाइव, देन वी आर क्वोशेंट में माइनस फाइव, माइनस फाइव को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स, माइनस टेन एक्स एंड माइनस फाइव वन जा फाइव, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, साइन चेंज कर दिया, फर्स्ट कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस का नहीं है, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, टेन में से वन माइनस करेंगे नाइन एक्स, प्लस 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 के टेन, ये क्या हो गया इसका क्वेश्चन, हाउ ये क्वेश्चन कैसे हुआ। देखो यहाँ एक्स टू द पावर टू है, इसको नहीं देखना, मैक्सिमम को देखना, एक्स टू द पावर टू है, यहाँ एक्स टू द पावर वन है, तो टू को पावर वन से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। क्लियर?
तो इसका क्वेश्चन तो अपने पास क्या बन गया ये, एंड रिमाइंडर अपने पास क्या बन गया 3x-5 एंड क्वेश्चन इज 9x+10। ये आपका डिवीजन मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफएक्स की पावर्स क्या होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए, मैक्सिमम फिर लेस देन उससे लेस देन फिर ये, एंड सेम जीएक्स में आपको इन पावर्स को फर्स्ट टर्म से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, एंड लास्ट में यहां मैक्सिमम जो पावर है ना वो उससे लेस देन ही आपने ये, वो क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन। नाउ अपने पास सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट देखो fx इज इक्वल टू दिस ऑर्डर में है, ये भी ऑर्डर में, डिवाइड करो x^3 -3x² + 11x - 6 एंड डिवाइड x^3 एंड ये अपने पास x^1 है, कितनी लेस देन है 2 ना, एंड x^2 मल्टीप्लाई में कोई टर्म नहीं है, सेम इसको नोट करो, ये क्या बनेगी x^3 एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2x² + 2x² एंड साइन ये प्लस एंड माइनस, ये प्लस एंड माइनस, इसका चेंज नहीं होगा, जो टर्म अपन ने नोट की है ना उन्हीं का चेंज होगा, फर्स्ट कैंसिल आउट, दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, प्लस नहीं है, माइनस माइनस प्लस 6 × 2 = 8² बट साइन इज माइनस, ग्रेटर देन वाला साइन आएगा माइनस, प्लस 11x - 7 ये पुट कर दो यहां, एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज x² तो x से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया -8 तो -8 क्वेश्चन के साथ भी चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो -8x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 8x² ये क्या बनेगा -16x ये प्लस, ये प्लस, फर्स्ट कैंसिल आउट, ये रह गया माइनस, प्लस प्लस क्या हो गया +27x - 6 क्लियर है, 27x - 6 ये एक्स है, ये भी एक्स है, फिर देखो प्लस, ये एक्स सेम पावर है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या +27 हियर +27 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इज सेम एंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 27 × 7 = 54 माइनस माइनस, फर्स्ट कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 54 + 6 कितना 16 एंड दिस इज माइनस, माइनस का होगा ना माइनस के 54, ये क्वेश्चन ये रिमाइंडर, वो क्वेश्चन हो गया ये रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट वन इज थर्ड, दैट इज fx इज इक्वल्स टू दिस एंड gx इज इक्वल्स टू दिस, नोट करो 9x⁴ (4x⁴) + 4 डिवाइड इनटू 3x² + x - 1 क्लियर, दिस इज x⁴ एंड दिस इज फर्स्ट टर्म इज x⁻², दिस इज x⁻²। And this is 9 and this is 3. 3 को multiply कि we get अपने को क्या मिल जाए 9 मिल जाए तो 3 बनेगा ना, 3 से multiply करो 3x² या फिर ऐसे करके दे दिया हो, first term अपने पास है 9x⁴ and इसकी first term अपने पास 3x⁴, 3 time and powers 2 less होगी तो क्या रह गया 3x² question क्या जाएगा इसका 3x² clear, first term को first term से divide कर दिया हो, ये अपने पास क्या बनेगा 9x⁴, यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x² × x x⁴, इसके अंदर तो टर्म है ही नहीं तो इसको थोड़ा लास्ट में नोट करेंगे +3x³, ध्यान रखना इसके नीचे नहीं है ये थोड़ा साइड में, क्लियर है पावर टर्म्स नहीं है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -3x² साइन चेंज कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव
ये कैंसिल आउट हो गया, ये टू टर्म्स में टर्म आएगी, ये कॉन्स्टेंट में आएगी, ये थ्री टर्म्स वाली फर्स्ट नोट करेंगे, माइनस थ्री एक्स क्यूब, ये किसी के साथ कैलकुलेट नहीं होगी, ये देखो ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो अपने पास एक्स की क्यूब आ रही थी, अपने पास जो है उसमें एक्स की पावर थ्री नहीं है, उसको साइड में नोट कर दिया, साइड में नोट कर दिया, स्क्वायर की टर्म आएगी, कॉन्स्टेंट आएगा, क्यूब आएगा, क्यूब वाले को पहले नोट कर दिया, फिर स्क्वायर वाले को और फिर कॉन्स्टेंट, ऑर्डर में नोट करना अपने को, क्लियर। अब देखो ये एक्स की क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स से ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, थ्री एक्स स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, माइनस थ्री एक्स की क्यूब, इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, थ्री एक्स, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर वन रहेगी ना, एक्स की पावर वन से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस भी साथ में आ जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट होगा एक्स की क्यूब, एंड दिस इज वो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, नहीं प्लस माइनस माइनस, और एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, एक्स बनेगा ना, तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स। देखो अपने पास माइनस एक्स था, उसको थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ किया थ्री एक्स क्यूब माइनस की, इसको इसके साथ किया माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ किया प्लस एक्स, एक्स वाले टर्म इसमें थी नहीं तो साइड में नोट कर दिया, साइन चेंज करो, प्लस प्लस माइनस, फर्स्ट कैंसिल आउट, ये दोनों भी कैंसिल आउट, प्लस माइनस है ना, क्या रह गया, माइनस का एक्स और ये प्लस फोर, ये क्या हो गया इसका रिमाइंडर, और ये अपने पास क्या बन गया, क्वेश्चन, रिमाइंडर रह गया अपने पास एक्स माइनस फोर माइनस एक्स प्लस फोर, एंड क्वेश्चन हो गया अपने पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नाउ सेकंड में फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड का क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाले में स्टेटमेंट देखो उसका क्या है, डिवाइड सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट, वेरीफाई फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, इट्स मींस सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, उसके बाद में आपको वेरीफाई करना है कि फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है मींस जीएक्स जो है इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, इसका क्या है कि फैक्टर है, फैक्टर होने का मींस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स को इससे डिवाइड करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, फर्स्ट कंडीशन अपने पास ये थ्री एक्स टू दी पावर फोर प्लस फाइव एक्स टू दी पावर थ्री माइनस सेवन एक्स टू दी पावर टू प्लस टू एक्स प्लस टू डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसको डिवाइड करना है, ये इसका जीएक्स इसका फैक्टर है कि नहीं, तो लास्ट में जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाए, रिमाइंडर अपने पास क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो ये फर्स्ट वाला इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ये मीनिंग है इसका, क्लियर है ना, तो इसका मींस क्या है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर जीरो बन रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, और रिमाइंडर में कुछ बन रहा है प्लस माइनस में जो भी है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, क्लियर। तो देखो इस पहले ये अपने पास एक्स स्क्वायर है, ये एक्स टू दी पावर फोर है, थ्री एक्स टू दी पावर फोर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स की पावर टू रहेगी तो क्या रह गया थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो, थ्री एक्स टू दी पावर फोर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया नाइन एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स क्यूब
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस 3x स्क्वायर बनेगा। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, फर्स्ट कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का 4x की क्यूब, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस 10x स्क्वायर एंड प्लस 2x प्लस 2, क्लियर। एंड नाउ दिस इज फर्स्ट 4x टू दी पावर 3 डिवाइड इनटू x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो माइनस 4x रह गया। ये क्वेश्चन माइनस 4x, माइनस 4x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 4x क्यूब एंड दिस इज माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 12x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 4x, माइनस 4x प्लस 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 डिवाइड, फर्स्ट इज कैंसिल आउट, ये प्लस है ये माइनस है तो क्या रह गया प्लस 2x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस प्लस तो प्लस 6x प्लस 2, क्लियर। हियर 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट रह गया, क्या रह गया प्लस 2, दिस इज क्वेश्चन प्लस 2, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहां करेंगे क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2 जा 2 वन जा 2, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया सारे कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर क्या रह गया इसका 0 एंड इक्वेशन क्या रह गया इसका 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, लास्ट में क्या लिख देंगे हेंस gx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्लियर है। ये जो है इसका क्या बन गया फैक्टर, क्लियर, यस। लास्ट में नोट कर देंगे हेंस ये इसका एक क्या हो जाएगा फैक्टर।